हाय फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सब ठीक है। आपके सारे बार्ड्स बहुत अच्छे और मैं हूं राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाहर बार्ड्स ब्रीडर। तो आज हम डिस्कस करने वाले कॉकटेल के ऊपर। एक मेरा फ्रेंड है हावड़ा में जो पूछ रहा था भाई कॉकटेल का पेयरिंग कैसे करते, मतलब पेयरिंग के ऊपर। तो मैंने पहले बहुत सारा वीडियो बनाया है, ठीक है, वो वाला पेयरिंग नहीं। कोई अगर ब्रीडर पेयर को तोड़ के उसके साथ नया वाला पेयर हम कैसे कर रहा है इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आज का वीडियो इसके ऊपर ही है। तो वीडियो कैसा लगे तो एक लाइक देना, चैनल में नए होते तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बार्ड लेटर नया वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कॉकटेल वाच का पेयरिंग जो है तोड़ने का जरूरत क्यों पड़ता है। तो हमारे पास हम कभी देखते कि कोई प्यार जो है अंडे दे रहा है, अंडे से बच्चे नहीं हो रहा या बच्चे भी निकल रहा है लेकिन बच्चे जो है फीड नहीं कराता है। एक दो दिन बाद जो अंडे से बच्चे निकला वो मर जाता है या अंडे पे नहीं बैठता। और भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि सेम ब्लड लाइन का हो गया, पहले आप उनको प्यार दिए, एक ही मेल फीमेल का बच्चा है, आपने उनको प्यार कर दिए और आप ब्रीडिंग भी करता है लेकिन आपको ब्लड लाइन चेंज करना है। लेकिन ब्लड लाइन चेंज नहीं करेंगे तो आपके पास बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो अलग एक वीडियो में आपको बताएंगे। और भी एक वीडियो भी है, अगर चाहे तो देख सकते हो ब्लड लाइन रिलेटेड। तो इस सारे तीन चार कारण के वजह से आपको कभी कभी ब्रीडर पेयर को भी अलग करना पड़ता है और दूसरे बाच के साथ पेयरिंग करना पड़ता है। तो ये एक बहुत कन्फ्यूजन वाली हो जाता है कि बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं कि हम पेयर कैसे तोड़ेंगे, हमारा बॉन्डेड पेयर है, बहुत अच्छे ब्रीडिंग करते हैं या अंडे देते हैं, अंडे से बच्चे नहीं निकलता, फिर भी हमें पेयर को तोड़ रहा है, कैसे तोड़ रहा है। ये सब बहुत अलग अलग लोग अलग अलग अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कोई बोलता भाई पेयर नहीं होता, एक बार अगर किसी का कॉकटेल का पेयरिंग हो गया, एक पेयर एक मेल एक फीमेल का, तो दोबारा पेयरिंग नहीं होता। तो एकदम ये सब गलत चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं है प्यार को तोड़ना और नया प्यार को लगाना, ठीक है। आपको तीन चार टिप्स मैं आपको दूंगा, तो अगर फॉलो करेंगे तो आपका इजीली ये जो प्यारिंग नहीं हो रहा ये बहुत जल्द हो जाएगा। और ये टिप्स आप कोई प्यार नहीं हो रहा ना ब्रीडर प्यार को तोड़ के नया प्यार के साथ लगाने जो लोग लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते ट्राई। और जिनका पेयरिंग नहीं हो रहा, मतलब दो तीन कॉकटेल आप एक साथ रखे और पेयरिंग नहीं हो रहा, वो लोग भी ये टिप्स को मतलब फॉलो कर सकते हैं, उनको भी सक्सेस मिल सकता है। तो मैं तीन चार टिप्स आपको दूंगा। सबसे पहले है, आप जिस पेयर को तोड़ना चाहते हैं वो पेयर को बरसात के ठीक एक डेढ़ महीना पहले तोड़ो। तोड़ने का भी सीजन है क्योंकि ठंड के पहले ये लोग बरसात में बहुत अच्छे ब्रीडिंग मूड में रहते हैं और बहुत जो नया प्यार है वो बरसात में प्यारिंग अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से आप पुराना प्यार को तोड़ना चाहते हो तो बरसात के एक डेढ़ महीना पहले तोड़ो। और यही एक डेढ़ महीना जो है आपका बार्ड्स को अलग रखना है, मतलब पहले टिप्स हो गया। दूसरे टिप्स है एक डेढ़ महीने या दो महीना आपका जो मेल फीमेल उनको पूरा अलग करना है, एकदम अलग। एक बार अगर कोई प्यार में एक बार ब्रीड किया या दो बार ब्रीड किया तो उस वाले प्यार को अलग करके आप दूसरे केज में रख सकते हो या तीसरे दूसरे साइड में किसी केज में रख सकते हो। लेकिन वो अगर बॉन्डेड प्यार होगा, मतलब 8-10 बार ब्रीड कर लिया तो उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाता है, तो उस वाले प्यार को अगर अलग करना चाहते हो तो आपको मेल फीमेल को कम से कम एकदम अलग करना होगा। जैसे एक दूसरे को देख ना पाए, एक दूसरे का साउंड भी उनको ना मिले, नहीं तो प्यार नहीं टूटेगा। अगर जैसे कि यहाँ पर एक प्यार है, इनको मैं तोड़ना चाहता हूँ प्यार को, इधर मेल फीमेल को अलग करके अगर दूसरे बगल में किसी केज में रख देंगे तो कोई असर नहीं होगा, कोई प्यार वगैरह नहीं टूटेगा, सिर्फ ब्रीडिंग रुक जाएगा लेकिन पेयरिंग नहीं टूटेगा। पेयरिंग टूटने के लिए एक बार या दो बार जिस पेयर ने ब्रीडिंग किया है उनको ऊपर नीचे आप दे सकते हो, लेकिन जो बॉन्डेड पेयर है उनके लिए पूरा अलग सेटअप करना होगा, मतलब अलग सेटअप में उसको डालना होगा, यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो वो पेयर जो है बॉन्डेड पेयर का मेल फीमेल कभी भी दूसरे पेयर के साथ दूसरे बास के साथ पेयरिंग नहीं लेगा। ये क्या दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो है, पहला तो बताया आपको बरसात के सीजन में, दूसरा हो गया आपका उनको अलग करके रखो मेल फीमेल को, और तीसरा हो गया जो बार्ड्स आप जिसके साथ आप प्यार देना चाहते हो, नया वाला बार्ड्स जिसके साथ प्यार लगाना चाहते हो, तो आप उनको भी कुछ दिन अलग करके रखो। मतलब यहाँ से मैंने मेल को हटा दिया, ठीक है, फीमेल के साथ मैं नया मेल डालना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं मेल को हटा दिया, एक डेढ़ महीना हो गया, और जिस मेल को मैं डालूंगा इस केज में दोबारा पेयरिंग के लिए तो उनको भी अलग रखना बहुत जरूरी हो जाता है। उनको थोड़ा कम दिन रख सकते हो, एक डेढ़ महीना आप उनको अलग रखो, उनको भी अलग सेटअप में अलग तरीके से रखो, अकेला रखो,
और उसके बाद दोनों को एक साथ प्यार दो, एक डेढ़ से दो महीना बाद, तो आपको बहुत जल्दी प्यार हो जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, बहुत जल्दी बहुत इजीली प्यार हो जाएगा। अब आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हो, अलग करने के बाद या नया किसी प्यार को प्यार नहीं हो रहा तो उनको अलग रखो। मेन चीज उनको अकेला फील कराओ। वो अगर देखेगा कि हाँ बगल में जो प्यार है, साइड में जो प्यार है, उसका मेल फीमेल है, वो मेटिंग कर रहे हैं, अंडे बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से उनको भी लगेगा कि हाँ हम अकेला है, हमारे साथ भी कोई जरूरत है, जिसकी वजह से दोबारा जब वो मेल को डालेंगे तो बहुत इजीली प्यार हो जाएगा। और लास्ट वाली जो बात है, तो आपको प्यार लगाने के, मेल को केज में डालने के तुरंत बाद ही मटकी नहीं लगाए, मटकी या बॉक्स जो भी आप यूज करते हो आपको नहीं लगाना है। कम से कम और भी एक महीना आपको देना है जो उनको प्यारिंग बनने में, फिर जाके आप मटकी लगाएंगे तो और भी मतलब कन्फर्म आपको ब्रीडिंग करके दे देगा, 100% वो नया प्यार बन जाएगा और वो ब्रीडिंग करके आपको दे देगा। और कॉकटेल बाद की मेन चीज है वो ब्रीडिंग हो गया, या पेयरिंग बोलो, ब्रीडिंग बोलो, जो भी आप बोलते हो, उसका बहुत टाइम लगता है। जैसे कि फिंचेस का तो एक दिन में पेयरिंग हो जाते हैं, अगर आप किसी मेल फीमेल को एक साथ डाल दिए, अब 4-5 दिन के अंदर आपको अंडे देखने को मिल जाएगा नेस्ट बॉक्स में, ठीक है। तो कॉकटेल इस तरह से नहीं होता, कॉकटेल सेटिंग नया जगह पे सेटिंग होने में 5-6 महीने तक लग जाता है, और ब्रीडिंग करने में वो वैसा ही पेयरिंग बन के ब्रीडिंग होने में भी 2-3 महीना 4 महीना लग जाते हैं ना, कॉकटेल का टाइम लगता है। और फिंचेस बजी इस सारे बार्ड्स में इतना टाइम नहीं लगता। और कॉकटेल आपके घर में एक बार सेटिंग हो जाए तो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, 8-10 साल आपके घर में इजीली ब्रीडिंग कर देगा। अगर वो आपका घर का बच्चा है, घर का पेयरिंग किया हुआ है, और घर आप अच्छे वाला फूड देते हो, सॉफ्ट फूड वगैरह जो भी डालना है, वैरायटी टाइप का सीड देते हो, एक फूड देते हो, डीवॉर्मिंग कराते हो सही टाइम पर, मल्टीविटामिन कैल्शियम जो भी आपको डालना है सही तरीके से डालते हो, तो आपको 8-10 साल इजीली ब्रीडिंग दे देगा। मतलब उसके अंदर रेस्ट भी देना चाहिए, आप साल में 4 बार ब्रीड लो, बाकी टाइम उनको रेस्ट दो, फिर जाके आप देखेंगे कि आपका जो बाढ़ से बहुत हेल्दी रहेगा, सब कुछ सही होगा, ठीक है। तो आशा करके आपको पता चल गया है कि बार्ड्स का पेयरिंग कैसे करते हैं, और उसको बार्ड्स को पेयरिंग कैसे तोड़ता है, तोड़ना चाहिए, और उनको कैसे दोबारा से पेयरिंग लगाना होता है। और नया बार्ड्स अगर आपके पास पेयरिंग नहीं हो रहा तो आप इस टिप्स को जरूर फॉलो कर सकते हैं। और आपकी इस बारे में और भी कुछ क्वेश्चन होगा तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बता देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और नहीं तो अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक देना, और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं कॉकटेल बजी फिंच रिलेटेड नया वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में।